पैदल है मुश्किल, चॉइस तो मेरी नहीं थी क्योंकि इवेंचुअली क्रिएटर्स चैनल डिसाइड करते कौन से गाने पे गाना है एक्टर्स को, तो पैदल मुश्किल सेलेक्ट किया क्योंकि इट रिलेट्स विद द यूथ इज़ वेल एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स लास्ट ईयर एंड दिस ईयर एंड आई थिंक इट्स माई फेवरेट सॉन्ग, तो पैदल मुश्किल. हाँ मतलब बेटा दिल्ली से वापस आया है कानपुर, फैमिली के साथ तो रहा ही नहीं है, आया झगड़ा करके निकल गया, तो जब आया है फिर भी किसी और को ताड़ रहा है, तो तहजी थोड़ी खफा है उसको लेके, बट आई थिंक तहजी इस बात से खफा है कि आई एम गेटिंग वेरी आई एम गेटिंग एडमायर्ड एंड आई एम गेटिंग टोटली ब्लोन ओवर बाय एन एल्डर वुमन, जो जैसे तहजी रिप्रेजेंट्स द सोसाइटी, तो हमारा जो समाज है ऐसी चीज़ों को लेके काफ़ी डेलिकेटली सोचता है, तो वो ये सोच रहे होगी कि कहाँ पड़ गया ये 42 साल की औरत के पीछे एंड ऑल दैट, तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग में ये सभी चालू है, विच आई थिंक हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं होगा. नहीं नहीं मैं ज़्यादा मैं खाली बाथरूम में भी बहुत कम ही गाता हूँ, मैं जब बाइक चला रहा होता हूँ हेलमेट के अंदर ईयरफोन्स लगा के, किसी को बोलना नहीं वरना पुलिस वाले पकड़ेंगे, बट हालाँकि गाड़ी में खाली हेलमेट के अंदर गाता हूँ ताकि वो जो देख नहीं पाए सुन नहीं पाए, क्योंकि सुन लेंगे तो फिर दोस्ती तोड़ देंगे, देख लेंगे तो फिर एक्चुअली देखेंगे तो फिर दोस्ती करेंगे, क्योंकि एक्टिंग थोड़ी बहुत अच्छी करता हूँ गानों को लेकर, बट ये मेरा पहला एक्चुअली एक्सपीरियंस है गाने का, तो लेट्स सी इफ इट गोज वेल. थैंक यू.